ग्वालियर के जनकगंज इलाके में पानी की टंकी के नीचे एक युवक की लाश मिली है। युवक की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली है, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। जनकगंज थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि न्यू शांति नगर कॉलोनी में पानी की टंकी के नीचे एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को वहां 50 से 55 साल के अधेड़ का शव मिला। पुलिस पूछताछ में रहवासियों ने बताया कि यह व्यक्ति ऐसे ही घूमता रहता था, फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे देखने पर युवक ऐसे ही पैदल आता दिख रहा है। ये न्यू शांति नगर में पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी के नीचे जो चबूतरा बना हुआ है, उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया उसकी जो है वो पैरों पे रगड़ के निशान है और इसके मर्द पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ नहीं पाया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।